दबोचे गए सूनी सड़कों पर लूट मचाने वाले आरोपियों से लूट के माल के साथ कुछ नकदी भी बरामद। शहर के कुछ बड़ी लूट की वारदातों का भी हो सकता है खुलासा। जी हाँ, जबलपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो कि रात के सन्नाटे में सूनी सड़कों पर लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। इन आरोपियों ने बरेला थाना के अंतर्गत तिलहरी निवासी संजय यादव के साथ 30 जनवरी को लूट की घटना को अंजाम दिया था और संजय की बाइक, मोबाइल फोन और पर्स लूट लिए थे। संजय यादव ने अपनी शिकायत बरेला थाना में दर्ज कराई थी। वहीं जब पुलिस ने इस मामले की छानबीन की तब इस गिरोह के सदस्यों के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने बरेला से ही इस गिरोह के सरगना शैलेंद्र ठाकुर और उसके 2 साथी शिवम जायसवाल और आकाश चौधरी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से लूटी गई बाइक, मोबाइल फोन और कुछ नकदी भी बरामद की गई है। जनवरी 2020 की घटना है। रात्रि करीब 11 बजे फरियादी संजय यादव, ये निवासी तिलहरी, मजदूरी करके और अपने घर जा रहे थे। अपने घर पहुंचते उसके पहले ही अज्ञात 3 बदमाशों के द्वारा उनकी मोटरसाइकिल को रोका। इसके बाद उनके साथ मारपीट की। उनके बदन पे चाकू के 10 निशान थे। घायल करके और उनसे मोटरसाइकिल, मोबाइल और पर्स छीन लिया था। परिजनों ने फरियादी को हॉस्पिटलाइज किया, उसका ऑपरेशन हुआ, बड़े मुश्किल से उसकी जान बची। इस मामले में थाना गोरा बाजार में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध लूट और हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक जबलपुर के द्वारा इसमें एक टीम का गठन किया गया। उस टीम ने लगातार अज्ञात आरोपियों को दस्तयाब करने का प्रयास किया। मुखबिर की सूचना और इन्वेस्टिगेशन में आए साक्ष्य के आधार पर 3 आरोपी दस्तयाब किए गए, जिनके नाम शैलेंद्र उर्फ सैलू ठाकुर, शिवम जायसवाल और आकाश चौधरी, ये 3 जबलपुर के रहने वाले हैं। एक आरोपी जो शैलेंद्र उर्फ सैलू ठाकुर है, ये पूर्व में भी लूट के एक मामले में मदन महल थाने में गिरफ्तार हो चुका है। बाकी ये 2 इनके साथी हैं। पूछताछ पर इन्होंने ये स्वीकार किया कि घटना दिनांक को इनके द्वारा पहले शराब पी, इसके बाद योजना बनाई और उस योजना के अनुसार इस घटना को अंजाम दिया गया था। फरियादी के कब्जे से इन्होंने मोटरसाइकिल और मोबाइल जो छीना था वो बरामद कर लिया गया है। बाकी सामग्री बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। आरोपियों से अभी और वारदातों के संबंध में पूछताछ की जाएगी।